दोस्तों, प्रकृति का जो खजाना होता है वह अनमोल असीमित होता है। खास करके बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और हम इन्हें बेमतलब का ऐसे ही कूड़ा कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे आसपास में ही मौजूद होते हैं और इन्हें हम कचरा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा और कीमती अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं यह है। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुतायत में लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर इसे देखकर समझ ही चुके होंगे कि यह कौन सा पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे का क्या नाम है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, आप इस पौधे के बारे में जानकर चौंक जाएंगे और इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कूड़ा कचरा कहना समझना बंद कर देंगे और कभी भी आप इसे बेकार का पौधा समझकर नहीं फेंकेंगे। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो आपके यहाँ पर इस छोटा धतूरे के पौधे को क्या कहा जाता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर तो इसे खाकरा कहा जाता है, कहीं पर शंखा होली और कहीं पर कांथू बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉकफ्लावर कहा जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में बच्चे इस कॉकफ्लावर से एक दूसरे को मार मार कर खेलते हैं। बचपन में आपने भी एक दूसरे के कपड़ों में इसे जरूर चिपकाया होगा। भाई, मैंने तो ये सब किया था और इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि आपने भी ये सब जरूर किया होगा। मैं तो बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसको चिपकाया करती थी। इन्हीं सबको देखकर हमने अपना बचपन जिया है। ये पौधा अधिकतर खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉकफ्लावर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगी। इसके जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आने प्रारंभ हो जाते हैं। पहले तो यह बीज हरे रंग के होते हैं और फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य जड़ी बूटी है। ये एक ऐसी महाशक्तिशाली जड़ी बूटी है जिसके आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती हैं। तो इसीलिए अब से आप इसको कचरा या अपना सिर दर्द समझना बंद कर दीजिए क्योंकि यह एक बहुत पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। इसके फल कांटे युक्त होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि का धन्यवाद करना चाहिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यंत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम भारत भूमि में ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिए, ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला जाएगा क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियां अनभिज्ञ थी, लोगों को पता नहीं था, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाइयों से अपने शरीर को खराब ना करें। अंग्रेजी दवाइयों के सहारे बीमारियां तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो व्यक्ति को जीते जी ही मार देती है। व्यक्ति जीवन भर उन्हीं दवाइयों के सहारे चलता है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि बूढ़े आदमी को भी जवान बनाने की शक्ति रखती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके उनका रस निकालकर अगर बालों में लगाया जाए तो आपके सिर का गंजापन दूर हो जाता है और वहां पर नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगा सकता है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या फिर खाली स्थान पर अपने आप ही उग जाता है।
यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सरदर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके इसके 2-3 बूंद दही के अंदर मिलाकर आप उसे अपने सिर के ऊपर लगा लें तो इससे आपको सरदर्द में आराम मिलेगा। अक्सर मौसम बदलने से बच्चों में सर्दी खांसी हो जाती है, यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में अधिकतर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। हम अपने शरीर को सारे पोषक तत्व नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका सेवन किस प्रकार से करना चाहिए। तो आप सबसे पहले इसके पत्तों को सुखा करके चूर्ण बना लें, फिर इसे दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है और जिस भी प्रकार की कमजोरी है वह सभी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दों के लिए तो यह बेहद ही कारगर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करूंगी कि यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको हर रोज इसी प्रकार की नई नई जानकारियां बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को फोड़े फुंसी हो जाते हैं या फिर घाव हो जाता है, तो उसमें भी आप इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फोड़े फुंसी ठीक हो जाएंगे। चेचक के जो दाग होते हैं ना, उसमें भी यदि इस पौधे की पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि नासूर रोग भी इस पौधे के द्वारा ठीक हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे से आपको तेल कैसे बनाना है। आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों में अप्लाई करें। तो इसके लिए दोस्तों, आप अपने बालों में जो भी तेल लगाते हैं उस तेल में आप इसके थोड़े से रस को मिला लें और उसके बाद आप इस तेल को अपने बालों में इस्तेमाल करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इन पत्तियों को इस तेल में डाल दें। उसके बाद आप इस तेल को गर्म करके उबाल लें और फिर उसके पश्चात आप इसे छान लें। अब आप हर रोज इस तेल से अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बालों की कोई समस्या नहीं होगी, आपके बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर नहीं फेंकेंगे। और दोस्तों, आप इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियां छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों को या पत्तियों को कचरा समझकर ना फेंके। देखिए, पेड़ पौधे वनस्पति जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारियां ना होने की वजह से वे बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बीमारी से जूझते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटी, हर प्रकार के पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं, और अगर आपको पहले से ही यह जानकारी पता हो तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आपसे पुनः भेंट होगी एक नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के समाधान हेतु। जय श्री राम।